भाइयों बहनों, एक कविता, बहुत ही प्रेरणादायक कविता जो महानायक अमिताभ बच्चन जी ने लिखी है, वो आपको सुनाने जा रहा हूं। विशेषकर उन लोगों के लिए जो 70 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं लेकिन जीवन में अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। आइए इस कविता को हम सुनते हैं। कविता का शीर्षक है, वापस आना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। जब वक्त की चोटें हर सपने हर लेती हैं, जब राह की कीलें पग छलनी कर देती हैं, ऐसे में भी गगन भेद हुंकार लगाना पड़ता है। भाग्य को भी अपनी मुट्ठी अधिकार से लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, कहां बंधी जंजीरों में हम जैसे लोगों की हस्ती, ध्वंस हुआ विध्वंस हुआ, भंवरों में कहां फंसी किश्ती। विपदा में मन के पल का हथियार चलाना पड़ता है। विपदा में मन के पल का हथियार चलाना पड़ता है। अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच कर लाना पड़ता है। अपने हिस्से का सूरज भी खुद खींच कर लाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं, पत्थर की बंदिश से भी क्या बहती नदियां रुकती हैं। हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं, हालातों की धमकी से क्या अपनी नजरें झुकती हैं। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है। जिसमें मशाल सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। वापस आना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। आशा है आप सबको इससे प्रेरणा मिली होगी, विशेषकर उन लोगों को जो 70 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं कुछ मूल्यों के लिए, कुछ सिद्धांतों के लिए। धन्यवाद। बोले 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। हम छोटे किसानों ने किस्त जमा करना बंद कर दिया। विश्वास था, बोला है तो करेंगे। ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी दिया, 10 दिन नहीं तो 10 महीने में तो हो ही जाएगा। पर हुआ कुछ नहीं, बैंकों ने डिफाल्टर कर दिया, दंड ब्याज लगाया। पैसा जमा करो, कहीं से भी लाओ, साहूकार ने 3% मांगा। नहीं भरा तो कुड़की होगी, बाप दादा की जमीन लग गई दाव पे, पकड़ी उछल गई गांव में। इतना बड़ा धोखा, लाखों किसानों की बलि चढ़ा दी अपने लालच में। किसान को कर्जा माफी से ठग लिए, जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। गरीबी किसी माँ के स्वास्थ्य पर बोझ ना बने, इसलिए सरकार प्रसूति से पहले माँ को पौष्टिक भोजन के लिए 4,000 रुपए देती थी। बच्चे के जन्म के बाद माँ को कमाने की मजबूरी न रहे, माँ बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए मिलते थे 12,000, ताकि माँ को पूरा आराम मिल सके और बच्चे को पूरा पोषण। फिर 15 महीने इन लोगों ने सब बंद कर दिया, जच्चा और बच्चा दोनों को भूल गए। माँ के तो पेट पर ही लात मार दी। माँ से चापे के लड्डू ही छीन लिए। ये पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। Thank you.
सालों से हमारी बेटियां जन्म से ही लखपति बन जाती थी, लाडली आती थी, लक्ष्मी लाती थी। 15 महीनों में लाडली से लक्ष्मी ही छीन ली, बेटी को फिर बोझ बना दिया। वो कैसी सोच थी जिसने गरीब को बेसहारा छोड़ दिया, गरीब की बेटी को पालने में ही छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। जब कोई सहारा देने का ढोंग करे और वक्त आने पर अंगूठा दिखा दे, आस टूट सी जाती है, जीवन रुक सा जाता है। बेरोजगारी भत्ते के झांसे ने तो बच्चों को काम ढूंढने लायक भी नहीं छोड़ा। वो कैसी सोच थी जिसने बेरोजगारों की उम्मीदें तक छीन ली। बेरोजगार को भत्ते का लालच देकर छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। भैया, रमेश भैया आए, खेत की बखंडी कर दी है, ट्रैक्टर का किराया देना है। तेरी भाभी को बोल दे। भाभी, भाभी, वो ये लो भैया, सुनार के यहाँ रखकर दे दो पैसे। ओ भोली भाली, गिरवी रख के नहीं चुकाने हैं, जेब से निकाल कर देने हैं। किसान निधि शिवराज ने 4,000 बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए। अब छोटे मोटे खर्चों के लिए कर्ज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हाँ भाभी, जब जब जरूरत होती है ना, तो विश्वास रहता है कि एक शिवराज है जो हमेशा साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। 10 रुपए में हर मार, 10 रुपए में। इतना महंगा दे रहे हैं? अरे हमारे बारे में भी तो कुछ सोचो। जी जी, ये तो मेरा धंधा है, पर तुम्हारा सोचने के लिए तो सरकार है। वो कैसे? शिवराज सरकार फिर आ गई प्रदेश में। अब जैसे तुम्हारी जरूरत का हर सामान यहाँ है, वैसे ही शिवराज को मजदूर के जीवन से लेके मरण तक का हर पल का ध्यान है। शिवराज भैया आ गए तो फिर शुरू हो गई संबल। अब वही जाते हैं और जाकर अपना संबल कार्ड ढूंढते हैं कि पिछली सरकार ने तो सब बंद कर दिया था। अब वही जाते हैं। जी जी, कार्ड संभाल के रखना, आगे बहुत काम आने वाला है। हाँ भैया, हर गरीब को भरोसा है, एक शिवराज है जो हमेशा साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। जो मामा प्रदेश की लाडलियों को जन्म से ही लक्ष्मी बनाता आया हो, वो कन्यादान से कैसे पीछे हट सकता है? ये शिवराज की सोच और भाजपा का समर्पण है, जिसने 15 साल में लाखों बेटियों का जन्म से विवाह तक साथ निभाया। बस बीच के 15 महीनों में कांग्रेस ने झूठे वादों से हमारी बेटियों के साथ मक्कारी की, 51,000 का वादा किया और फिर पल्ला झाड़ लिया। 15 महीनों में एक भी बेटी को कन्यादान का पैसा नहीं मिला। पर अब मामा की सरकार वापस आ गई है, गरीबों के चेहरे की चमक भी साथ लौट आई है। वो भाजपा ही है जो हर गरीब को राशन और मकान के साथ मान और सम्मान भी देती है, वादा करती है तो वादा निभाती भी है। हमें तो भरोसा है, एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। इस साल जहां एक ओर प्रदेश में बम्पर फसल हुई, वहीं दूसरी ओर देश में लॉकडाउन लग गया, पर फिर भी प्रदेश का किसान संतुष्ट है। और वो केवल इसलिए कि अब शिवराज सरकार है। कोई और सरकार होती तो अब तक खलिहानों में पड़ा गेहूं सड़ गया होता। पर शिवराज मामा ने कहा था, एक एक दाना गेहूं सरकार खरीदेगी। इस बार हमारे मध्य प्रदेश ने पूरे देश में
गेहूं खरीद का रिकॉर्ड बनाया है और मेरे खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि भी आ चुकी है। अरे किशन भैया, कहाँ चल दिए बंठन के? बिटिया का लगन है, बाजार जा रहे हैं। कठिनाइयाँ जितनी ज्यादा बढ़ती उससे ज्यादा सरकार आगे बढ़ती। हमेशा भरोसा रहता है कि एक शिवराज है जो साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।